जय हिंद दोस्तों, सुबह की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तीन बड़ी बातें करूंगा, आज बात करूंगा डीए के ऊपर। एक बहुत बड़ा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आर्मी एयरफोर्स के बंदे हैं, आर्मी के नेवी के सभी हैं, वो डीए के बारे में क्या कह रहे हैं सुन के आपको लगेगा आखिर ये डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। और दूसरी बात कर रहे हैं, यदि अब आपको ओआरओपी 1-2 का सारा चीज क्लियर हो गया, अपने पीपीओ यानी कोऑर्डिनेटिंग पीपीओ आपने कैसे निकाले। और तीसरी बात कह रहा हूं कि सेना के जनरल साहब ने ट्वीट किया है किसी यानी आईएएस यानी कौन से डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर, आखिर में इनको क्या हुआ है, ये क्या हम सब लोगों से अलग हैं। यानी तीनों चीजों को मैं बारी बारी से शुरू करता हूं। सबसे पहले बात मैं डीए की करता हूं। डीए के ऊपर एक मीम चल रहा है कि डीए बढ़ेगा, इन्होंने कहा है ओआरओपी का भूत उतर गया है, तो डीए बढ़ेगा या घटेगा हम उसकी बात करते हैं। तो कई बंदे कह रहे हैं 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, कोई बोलते हैं पिछली सरकार ने डीए को कम भी कर दिया था, लेकिन हम इस चीज पर बिल्कुल सहमत नहीं। मेरे पास इस तरह का पोस्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं अभी तक डीए कम से कम 3% बढ़ने की पूरी जो आंकड़े आई सीपीएन के गवाह है। और 30 तारीख को आज से 3 दिन बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो दिसंबर का आईसीपीएन के आंकड़े कितना बड़ा है, उससे यह तय होगा कि जनवरी में से इफेक्टिव जो डीए और मार्च में इसकी घोषणा होगी वो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 के बीच में स्तर रहेगा। ये मैं आपकी बात सहमत। दूसरी बात है, जनरल मलिक साहब ने एक ट्वीट डाला है, द डिफेंस सेक्रेटरी रंग अप एंड क्लैरिफाइड दैट रक्षा मंत्री सीडीएस ऑल 3 चीफ वेटिंग इन वॉर मेमोरियल फॉर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक वीडियो आप देखिए जिसके अंदर रक्षा मंत्री जी भी हैं, सीडीएस साहब हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष और एक हैं जो खड़े हैं वो अलग हैं, वो पॉकेट में हाथ डाल के, वो भी जगह ऐसी है जहाँ वार मेमोरियल है, यानी यहाँ सैनिकों का सम्मान के लिए खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले और ये खड़े हैं पॉकेट में हाथ डाल के। ये हैं रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने साहब हैं। और आखिर ये उन्होंने बीपी मलिक जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका ट्वीट किया, ट्वीट का जवाब है, उन्होंने कहा अरमाने साहब ने कहा नहीं, मुझे सेना और सैनिकों का पूरा रेस्पेक्ट हम सम्मान करते हैं, शहीदों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फिर इससे उन्होंने सफाई देने से पहले कई अफसरों ने अलग अलग प्रकार के आपको ट्वीट और कमेंट्स किए, वो आपके मैं साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरा बात करता हूं आप पीपीओ के ऊपर, अभी 1 रैंक 1 पेंशन 2 का सारा काम पूरा हो गया है, आपने पीसीडीए इसके लिए पूरी तैयार है, इम्प्लीमेंट होने वाला है, और होने वाले का मतलब यह है कि हो सकता है इस महीने की पेंशन आपको बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे। साथ ही जो लोग स्पर्श के साथ माइग्रेट हो गए हैं वो जाकर के देखें, अपना मैसेज देखें या अपने रेफरेंस आईडी से अपने उसको खोलें, उनका कोऑर्डिनेटिंग पीपीओ उसको निकालें, देखें कितना डिफरेंस है और उस डिफरेंस से कितना उनका एरियर मिल रहा है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो नहीं हुए हैं वो सीधा कॉल कर सकते हैं 1800 1805 225 पे। आपकी शंका का असली समाधान वही होगा कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, डिसेबिलिटी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी है, और उसी से आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका एरियर टोटल कितना बनेगा। भले वो 4 किस्तों में मिले लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा संतोष हो जाएगा, वहीं से आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा। धन्यवाद।